Welcome you all on certificate course on computer basics and MS Office from basic to advanced. Friends, हम लोगों ने MS Office पढ़ना शुरू किया है और उसमें वर्ड में काफी कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने देखे हैं. आज टुडे विल बी वर्किंग विथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे How to work with pictures. Now, friends, आप लोगों ने observe किया होगा आपको अब shape insert करना आ गया, text insert करना आ गया, text box लेना आ गया, clip arts पे work करना आ गया. Now, कई बार ऐसा होता है हमको किसी का photo या कहीं पे हम कोई activity कर रहे हैं उसका photo हमारे report में डालना जरूरी है तो वो कैसे करने का. ठीक है, सो हाउ टू इंसर्ट अ पिक्चर. अब पिक्चर के हिसाब से आजू बाजू का उसका टेक्स्ट कैसे वर्क करेगा, अगर पिक्चर में कुछ चीजें हैं जो अनवांटेड है तो उसको कैसे निकालना, उसको क्रॉपिंग कहते हैं. इमेज को कॉम्प्रेस कैसे करना, मतलब छोटा कैसे करना, कोई और पिक्चर टूल्स कैसे वर्क करना. अगर पिक्चर हमने देखा, जैसे हमने क्लिप आर्ट में देखा था उसने हार्ट के शेप में कन्वर्ट किया था अपने आप को, तो वो कैसे हमने शेप चेंज करना है. देन नई स्टाइल, नए बॉर्डर्स वर्कआउट करना. अभी हमारा फोकस रहेगा पिक्चर्स पे, तो आपको ऐसा हो सकता है लगे कि कुछ सेटिंग्स हम रिपीट कर रहे हैं. यस, वी आर रिपीटिंग, बट वी आर रिपीटिंग विद कंटेक्स्ट ऑफ पिक्चर. ठीक है, तो अभी पिक्चर कहाँ दिखेगा, इंसर्ट में पिक्चर. ठीक है, इंसर्ट मेनू जो है उसके अंदर जो पहला वाला बॉक्स दिखता है दैट इज पिक्चर, दैट इज पिक्चर. ठीक है, इमेज लिखे हुए है उसके ऊपर. अब जैसे ही पिक्चर पे मैं क्लिक करती हूँ, इंसर्ट पे क्लिक करती हूँ, तो मुझे बाय डिफॉल्ट, जैसे आप लोगों को पहले भी बताया गया था, बाय डिफॉल्ट जो उसके फोल्डर्स है वो यहाँ पे दिखाई देंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल पिक्चर्स में सैंपल पिक्चर्स जो है डॉक्यूमेंट्स में का वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो आपके पास इस पिक्चर्स में इंसर्ट करने के बाद आपके पास चॉइस है, आप कौन सा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो. ठीक है, मुझे वॉटर लिली चाहिए या समथिंग ब्लू हिल्स चाहिए, सनराइज चाहिए या विंटर चाहिए, ये मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ. नाउ सपोज अब मेरा सैंपल पिक्चर्स में नहीं है, कोई स्पेसिफिक फोल्डर में है, तो कहाँ कैसे इंसर्ट करना. तो देखो डेस्कटॉप, सपोज मेरा पिक्चर जो है मिस्टर डो का पिक्चर जो है वो कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे है, तो मुझे लुक इन, यहाँ पे देखो लुक इन दिखाई दे रहा है आप लोगों को. ये जो लुक इन है, इस लुक इन में आप चेक करो, मैंने आप लोगों को कहा कि डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप है क्या. यस, यहाँ पे भी डेस्कटॉप दिख रहा है और ये देखो ये यहाँ पे भी दिख रहा है, तो अपने को समझ में आ गया है कि यस मेरा जो इमेज है या पिक्चर है वो कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे है. ओके, अब मैंने डेस्कटॉप पहले लोकेट कर लिया, अब डायरेक्ट डेस्कटॉप में से लोकेट कर लिया मतलब डबल क्लिक करके उसको ओपन करना है, तो यहाँ से बराबर आपको दिख जाएगा. ठीक है, उसके बाद पिक्चर कौन सा सिलेक्ट करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो एक बंदा हाथ पकड़े हुए फोटो है, तो ये मुझे चाहिए, तो ये इस पे मैं क्लिक करूंगी, क्लिक करना पड़ेगा, पिक्चर को सिलेक्ट करना पड़ता है, तो जिसको भी इंसर्ट करना है उसको क्लिक किया और फिर यहाँ पे नीचे में ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंसर्ट, तो ये देखिए ये इंसर्ट ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और ये इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब मेरा जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के अंदर, मेरे जो भी डॉक्यूमेंट में पे काम कर रही हूँ उसके अंदर जहां मेरा कर्सर रहेगा वहां वो पिक्चर इंसर्ट होगा. ठीक है, अब आपको कहा गया है कि इमेज के बाजू में टेक्स्ट हो सकता है, जहां पे मैंने कर्सर पे डाला है वहां पे तो इमेज आ गई, बट उसके आसपास टेक्स्ट हो सकता है, तो उस टेक्स्ट को कैसे मैच करेंगे वो हम टेक्स्ट रैपिंग में देखेंगे. टेक्स्ट रैपिंग यानी क्या, आपका ये इमेज है, इमेज के ऊपर या नीचे टेक्स्ट चाहिए,
एक एग्जांपल मैं बताती हूँ आप लोगों को। जैसे देखिए ये इमेज है, ये टेक्स्ट ऊपर है, बट कुछ हिस्सा आपका, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि कुछ हिस्सा मिक्स्ड हुआ है, तो यहाँ पे कोई ना कोई एक ये वाला जो टेक्स्ट रैपिंग का मेथड है वो फॉलो किया गया होगा। ओके एक और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे ये देखिए इमेज हो गई, फिर टोटली उसके नीचे आपको टेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहा, तो टेक्स्ट और इमेज का कोई लेना देना नहीं है, इमेज जो है वो अलग है और टेक्स्ट आगे पीछे आ रहा है। ये एक और इमेज देखो, टेक्स्ट ऊपर है, टेक्स्ट नीचे है और बीच में इमेज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वैरायटी में चीजें दिखाई दे सकती है। तो वो कहाँ से सेटिंग करोगे? टेक्स्ट रैपिंग से, ठीक है। तो टेक्स्ट रैपिंग में जैसे आपका फोटो है, उस फोटो के साथ ही आपको टेक्स्ट लिखा हुआ चाहिए, तो आप इन लाइन विथ टेक्स्ट लोगे। अगर आप जैसे देखो ये फोटो बीच में है और आजू बाजू उसके पूरा टेक्स्ट है, जैसे कुछ बार कई बार न्यूज़पेपर्स में आता है या मैगजीन्स में आता है, तो वहां पे कौन सी अलाइनमेंट सिलेक्ट हुई है? दैट इज स्क्वेयर। देन बहुत कॉम्पैक्ट, अभी देखो ये स्क्वेयर में डॉग एक एग्जांपल बोल के लिया हुआ है, तो जैसे अभी ये स्क्वेयर में डॉग है, तो यहाँ पे अगर टाइट लेते हैं तो बहुत, यानी जहां जहां भी स्कोप है उस इमेज का, तो वहां वहां आपको टेक्स्ट दिखाई देगा। अगर आपको इमेज टेक्स्ट के पीछे भेजनी है तो बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के सामने रखनी है तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और टॉप और बॉटम बोला तो टॉप और बॉटम में क्या आ जाएगा? टेक्स्ट ऊपर या इमेज के नीचे आएगा, इमेज उनके साथ अलाउड नहीं रहेगी, और थरो मतलब इमेज के साथ ही वो टेक्स्ट चलेगा, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स हम लोग देखेंगे। देन वी विल सी हाउ टू क्रॉप द इमेज। आपको कहा था क्रॉपिंग करना है इमेज को। जैसे अभी आपने ये इमेज में देखा कुछ हिस्सा बहुत ज्यादा है, जैसे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड का या कुछ हिस्सा ज्यादा है और आपको वो चीज नहीं चाहिए, तो वो आप कैसे करोगे? ये जैसे ही मैं क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ, ये देखिए इस टाइप के बॉक्सेस आते हैं, तो जो चीज नहीं चाहिए उसको क्लिक करके खींचो, वो आपको उन क्रॉपिंग हैंडल से आप क्या कर सकते हो, जितना चाहिए उतना रख सकते हो, ठीक है। आपको लुक में नहीं दिखाई देगा, इमेज के साथ होता है वो वहां पे, बट आपको जब आप देख रहे होंगे ना स्क्रीन पे उसको, तो वो दिखाई नहीं देगा और ना ही वो प्रिंटिंग में आएगा, ठीक है। सो अभी कुछ हम कॉम्प्रेशंस भी कर सकते हैं, जैसे इमेज को कई बार क्या होता है ना कि हमको कॉम्प्रेस भी करना होता है, तो कितने रेशो से करना है। अगर हमको जैसे अभी ये जो कॉम्प्रेशन सेटिंग्स में हम देख रहे हैं, कई बार क्या होता है ना, आपकी अगर फाइल साइज ये वाले इमेज से बढ़ रही है तो आप क्या करोगे, जो क्रॉप किए हुआ हिस्सा है वैसे भी नहीं चाहिए और वैसे भी नहीं चाहिए, तो कॉम्प्रेशन सेटिंग्स में आप क्या कर सकते हो, डिलीट ही कर सकते हो कि जो क्रॉप एरिया है वो डिलीट कर दिया, और आपका प्रिंट में वो आउटपुट में कैसे आएगा वो इमेज, वो भी आप स्क्रीन पे प्रिंट में या ईमेल पे किस पिक्सल फॉर्म में चाहिए, पीपीआई मतलब पर पिक्सल्स पर इंच, ठीक है। और उसके साथ हम लोग ना फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इमेज के साथ, जितना भी आप इमेज पिक्चर्स एक ही बात है, तो इमेज या पिक्चर्स के साथ आप ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो, आप कॉन्ट्रास्ट कम ज्यादा कर सकते हो, आप उसको रिकलर कर सकते हो, ठीक है, आप पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हो, बदल सकते हो और रीसेट कर सकते हो, ठीक है। अब इस पिक्चर को आप अलग अलग शेप्स प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने क्लिप आर्ट में देखा था, हमने फ्लॉपी का सिंबल को हार्ट में कन्वर्ट किया था, तो ऐसे ही अपने फोटोज को अगर हम कोई ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हैं या कुछ किसी के लिए कोई डॉक्यूमेंट बना रहे, तो उसमें हमको चाहिए कि कुछ बहुत डेकोरेटिव चाहिए, या कुछ ब्रोशर जैसा बना रहे, फ्लायर जैसा बना रहे, या कुछ वेलकम का कुछ ऐसा बना रहे, तो उसके लिए आप ये सारी शेप्स सिलेक्ट कर सकते हो। हर बार जरूरी नहीं, बट आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है।
और फिर फॉर्मेट में जाके आप मोर स्टाइल्स मोर पिक्चर्स वर्कआउट कर सकते हो। देन आप उसको बॉर्डर्स चेंज कर सकते हो, कितने साइज की बॉर्डर्स चाहिए वो सब आप सेट कर सकते हो। सो आपका असाइनमेंट क्या रहेगा, इंसर्ट अ पिक्चर इनटू अ डॉक्यूमेंट, क्रॉप द इमेज प्रोपोर्शनली एंड अप्लाई अ पिक्चर स्टाइल टू द इमेज, और इमेज को कॉम्प्रेस करना है या पिक्चर को कॉम्प्रेस करना है, ठीक है। सो नाउ वी विल सी द वर्किंग ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। सपोज मैंने 3-9 डॉक्यूमेंट ओपन किया, ठीक है। अब 3-9 डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद मैंने इसमें कुछ टाइप किया है, ओके। और मैं एक काम करती हूँ, कुछ मेरी लैंग्वेज में भी टाइप करती हूँ। ठीक है, मुझे और टेक्स्ट चाहिए तो मैं इसको यहीं पे कॉपी के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। ये मेरी स्पेशल लैंग्वेज है, सो प्लीज डोंट आस्क मी द मीनिंग, ओके। और ये इसमें कुछ पैराग्राफ्स बन गए, ओके। सो नाउ अब मुझे यहाँ पे पिक्चर कोई इंसर्ट करना है, तो मैं इंसर्ट में जाऊंगी, पिक्चर, ओके। और बाय डिफॉल्ट मेरे पास में जो भी इमेजेस अवेलेबल होंगी, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये वाला फाइल है जो पिक्चर का हो सकता है, या आई कैन से ओके आई वांट टू इंसर्ट दिस फोटो, ओके। अब ये फोटो देखो बहुत बड़ी साइज का है, और ये आप एक मिनट में ना थोड़ा सा मेरे इसका जूम रेशियो कम कर देती हूँ तो आपको समझ में आएगा हाउ द अलाइनमेंट इज चेंजिंग। जहां मेरा कर्सर था, देखिए जहां मेरा कर्सर था वहां पे वो जाके इंसर्ट हुआ है, ओके। अब मुझे इसकी साइज कम ज्यादा करनी है तो मैं बॉर्डर पे लाके देखो कम ज्यादा कर सकती हूँ। तो जैसे ही मैं साइज कम ज्यादा करती हूँ, देखिए वो इमेज के साथ टेक्स्ट घूम रहा है, और जैसे जैसे दिस इज व्हाई बिकॉज इन लाइन विथ टेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्टेड है। टेक्स्ट रैपिंग में कौन सा ऑप्शन सिलेक्टेड होगा, इन लाइन विथ टेक्स्ट, ठीक है। तो पहले हम लोग ये देख ले प्रॉपर, ये देखिए टेक्स्ट रैपिंग में गई, ये देखो इन लाइन विथ टेक्स्ट सिलेक्टेड है। अब मैं स्क्वेयर लेती हूँ, तो देखो स्क्वेयर से क्या हो गया, जहां तक पिक्चर का वो रेक्टेंगल था बराबर वहां तक आ गया, और उसके आजू बाजू की जगह छूट गई, ठीक है। देन टाइट, तो अभी ये कैसे इमेज ही बाय डिफॉल्ट स्क्वेयर में और पूरी भरी हुई है, तो आपको टाइट और इसमें फर्क नहीं समझ में आ रहा होगा। नाउ बिहाइंड द टेक्स्ट, देखो बैकग्राउंड में वो चली गई और ऊपर से टेक्स्ट आ गया। फ्रेंड्स ये वाला जो ऑप्शन है ना, आप लोगों को एक जस्ट टिप दे रही हूँ, जब भी आपको कोई एक ग्रीटिंग कार्ड बनाना है या कोई वेलकम नोट बनाना है या थैंक्स गिविंग बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, आपका फोटो बैकग्राउंड में इस तरीके से रख सकते हो और फोरग्राउंड में आप जो चाहिए वो टेक्स्ट लिख सकते हो। तो इट इज लाइक, या फिर जैसे बच्चे के फर्स्ट बर्थडे या उसका इन्विटेशन अगर कुछ है प्लान कर रहे हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इट विल लुक वेरी नाइस, ओके। देन टेक्स्ट रैपिंग में इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, तो देखो टेक्स्ट पूरा पीछे है, देखिए टेक्स्ट पूरा पीछे है और बैकग्राउंड में पूरा टेक्स्ट है, दिखाई नहीं दे रहा है बट टेक्स्ट के ऊपर वो इमेज आ गई है, ठीक है। देन टेक्स्ट रैपिंग में टॉप एंड बॉटम, जैसे आपको थोड़ी देर पहले मैंने बुक में बताया था वैसा, देखिए टेक्स्ट रैपिंग में टॉप एंड बॉटम थरो बिल्कुल फुल रहेगा। अभी एक्चुअली ये इमेज इस तरीके से है ना, स्क्वायर में है, इसलिए आपको वो थरो टाइट और स्क्वायर तीनों में इफेक्ट सेम दिख रहा है, बट
बट अगर आपकी इमेज में कुछ कम ज्यादा रहेगा तो आपको वो फील वहां पे आएगा, ठीक है। आपको अगर रैप पॉइंट्स एडिट करने होंगे तो आप कर सकते हो, देखिए जैसे आपको चाहिए यहाँ तक डेटा नहीं चाहिए तो इस तरीके से आप एडिट कर सकते हो। ओके, नाउ इन मोर लेआउट ऑप्शन अलाउ ओवरलैप, आपके कंप्यूटर में देख लेना आपकी जो पिक्चर पोजिशन है वो कैसी है, ओवरलैप अलाउड है कि नहीं और लेआउट इन टेबल सेल है कि नहीं, ठीक है। अगर ये है तो आप प्रॉपरली उसको हैंडल कर पाओगे, ठीक है। देखो टेक्स्ट में फर्क पड़ रहा है आपके, देखो अकॉर्डिंगली आपका टेक्स्ट रैपिंग आ जाएगा, देखो रेडी। तो ये मैंने कैसे किया, बाय यूज ऑफ एडिट पॉइंट्स। ओके, नाउ अब हम इमेज को क्रॉप करेंगे। अभी मुझे इतनी बड़ी इमेज नहीं चाहिए, छोटी इमेज चाहिए। पहले मैं उसको साइज बढ़ा कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई, ठीक है। ओके, अब ये देखिए ये सिंपल इमेज है, मुझे इसको क्रॉप करना है तो मैं कैसे करूंगी, यहां सिलेक्ट किया, क्रॉप पे गई, ठीक है। क्रॉप पे क्लिक करते बराबर ये देखो यहाँ पे एट अलग अलग टाइप के क्या कहते हैं ना सिंबल्स या आइकन ये आ जाते हैं हैंडल्स। अभी देखो ये यहां तक मुझे चाहिए, ये इतना ही चाहिए। ओके, सो अभी देखो आपका जो ये फोटो है वो क्रॉप्ड हो गया, उतना कम हो गया, ठीक है। अब मैं इसका ब्राइटनेस और ये इफेक्ट कम कर सकती हूँ, बढ़ा सकती हूँ। देखिए यहां से ब्राइटनेस बढ़ा दिया, यहां से कम कर, ठीक है, यहां से कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया। ये आपके ऊपर है, आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी है, आपका रिक्वायरमेंट ऑफ जो भी आपको क्रिएट करना है उसके हिसाब से है कि आप उसको कैसे वर्कआउट करते हो, ठीक है। आपको उसको रिकलर करना है तो देखो आपका फोटो पहले कैसे था, कलरफुल अलग वाला था, अभी आपको लगता है कि नहीं आपको उसको स्पेसिफिक कलर टोन में चाहिए तो आप रिकलर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट का दिखाना है या उस टाइप का दिखाना है तो आप वैसा भी क्रिएट कर सकते हो, चॉइस आपके पास, ठीक है, विद डार्क वेरिएशंस एंड लाइट वेरिएशंस, ठीक है। तो देखो एकदम ये ब्लैक एंड व्हाइट के हिसाब से क्रिएट हो गया। ओके, नाउ आपको इमेज को कंप्रेस करना है तो सिलेक्टेड इसमें ही जाएंगे, हम लोगों ने ऑप्शंस देखे थे, देखो डिलीट क्रॉप एरिया ऑफ द पिक्चर्स किया है और एक्चुअली परफॉर्म बेसिक ऑपरेशंस ऑन सेव, ये ऑप्शन क्लिक है। और आपको प्रिंट में कैसे चाहिए, स्क्रीन पे कैसे चाहिए और ईमेल में कैसे चाहिए, तो जनरली हम लोग प्रिंट का ही ध्यान रखते हैं, तो प्रिंट यानी क्वालिटी ऑन प्रिंटर्स एंड स्क्रीन्स। ओके, तो वो हमने लिखा और ओके पे क्लिक किया, तो जो भी सेटिंग्स होंगी वो इस पे अप्लाई होगी, ठीक है। ये चीजें मैं राइट क्लिक करके भी ला सकती हूँ, इमेज पे मैं राइट क्लिक करके भी ला सकती हूँ। अब अगर मुझे इसकी स्टाइल चेंज करनी है, देखो बॉर्डर चेंज हो गई, देखो हल्का सा शेडो इफेक्ट आ गया, तो ये आपके ऊपर है उसको कैसे वर्कआउट करना है, देखिए। ओके, अब आपको और पिक्चर इफेक्ट्स देने हैं तो आप ये यहां से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आपको पिक्चर का शेप चेंज करना है, जैसे ये राउंड है आपको ये वाला शेप चाहिए, देखिए ये वाले शेप में आ जाएगा, आपको ये पेंटागन वाला चाहिए, देखिए इतना ही पिक्चर का साइज आपको दिखाई देगा, ठीक है। आपको उसका बड़ा साइज करना है तो आप उतना ही वर्कअप, ठीक है। ओके, देन आपको लगता है रीसेट कर देना है, मैंने गलती से सारी सेटिंग की बट आई डोंट वांट दैट टू हैव इट, मैं रीसेट करूंगी, तो देखो रीसेट पिक्चर करते बराबर नॉर्मल जैसा मैंने फर्स्ट टाइम इंसर्ट किया था वैसा ही पिक्चर आ गया। अब एक और मजेदार बात सिखाती, रोटेट करना,
उल्टा कर दिया पिक्चर, लेफ्ट साइड राइट साइड, ठीक है. नाउ प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट हाउ आई एम फ्लिपिंग. देखिए अभी गेटिंग, सो आपके हिसाब से आप उसको वर्कआउट कर सकते. मैम ये नहीं चाहिए हमको, दिल मांगे मोर वाला काम चाहिए. तो भाई मोर भी है, आपको कितने डिग्रीज में वो रोटेशन करना है वो भी आप कर सकते. ये हो गया यहाँ से सेटिंग. आपको ये ग्रीन कलर का डंडी दिख रहा होगा तो आप उसको क्लिक करके खींचिए, आप वैसा सेटिंग कर सकते. ओके, सो इस तरीके से आप इमेज को हैंडल कर सकते हैं. इमेज कहो पिक्चर्स कहो आप हैंडल कर सकते. ओके So, हम लोगों ने देखो अप्लाई पिक्चर स्टाइल्स की और ये सारा काम खत्म किया. नाउ अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर टेबल्स, हाउ टू इंसर्ट अ टेबल एंड हाउ टू वर्क विथ इट. ठीक है, टेबल में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आप कर सकते हो. जैसे कि आपको एक लाइन से प्रॉपर कुछ डेटा अरेंज करके रखना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ पे देखिए ये वैल्यूज है, एक के नीचे एक प्रॉपरली अरेंज की हुई है, बट साथ ही उसको डिजाइन भी दिया हुआ है. ठीक है, या इस तरीके से नीचे देखिए लाइंस एंड कॉलम्स में, मतलब लाइंस ऐसे ड्रॉ करके रोज और कॉलम्स में वो डेटा लिखा हुआ है. तो ऐसा आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, तो ये खुद कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो हम देखेंगे. तो इंसर्ट में टेबल ऑप्शन. ठीक है, तो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, देखिए ऐसा बॉक्स जैसा दिखेगा वहां पे हमको क्लिक करना है. सो इंसर्ट में टेबल, टेबल के पास जैसे ही हम क्रिएट करते क्लिक करते हैं तो आप ऑब्जर्व करोगे ऐसा बॉक्स दिखाई देता है. अब ये बॉक्स में आपके पास देखो टेबल जो है ना वो दो तीन टाइप से आप क्रिएट कर सकते हो. पहला ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन ये है कि आपको इंसर्ट टेबल में कितने बाय कितने का टेबल बनाना है. तो डायरेक्टली ये जैसे है ना 10x8 का आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, तो ऐसा आपको बाय डिफॉल्ट यहां से सिलेक्ट करके आप बना सकते हो, या इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके आप नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स सेट कर सकते हो, या तीसरा आप खुद आपके हिसाब से ड्रॉ टेबल. जैसे डायरेक्टली जैसे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मैन्युअली जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं वैसा आप ड्रॉ टेबल कर सकते. ठीक है, तो तीनों तरीके देखेंगे हम लोग. पहला हमने तरीका देखा इंसर्ट टेबल, मैंने 3x3 का टेबल सिलेक्ट किया तो देखो बैकग्राउंड में 3x3 का क्रिएट हुआ. देन ड्रॉ टेबल सिलेक्ट किया तो ड्रॉ से एक ही क्रिएट हुआ. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखेंगे दैट इज हाउ टू कन्वर्ट द टेक्स्ट टू टेबल. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन आपको जो टेक्स्ट है वो कितने कॉलम्स में चाहिए कितने रोज में चाहिए. जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने सिलेक्ट किया है वेलकम टू, तो ये जो है कितने कॉलम में चाहिए रोज में कितने चाहिए. आपको दो शब्दों को अगर जैसे अभी सपोज वेलकम अलग चाहिए और टू अलग चाहिए तो मुझे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ टेक्स्ट के लिए है स्पेस, तो मैं अदर में क्या सिलेक्ट करूंगी स्पेस. ठीक है, और ओके पे क्लिक करूंगी तो मुझे दो कॉलम में एक रो में दो शब्द सेपरेटेड आउट दिखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेपरेट टेक्स्ट एज. इसमें से आप सिलेक्ट करोगे जैसे कई बार आपके टेक्स्ट में सेमी कोलन रहता है या
कितने इसका, तो आपको 4x4 का चाहिए, टैब्स, पैराग्राफ्स, कॉमास या अदर में, फिर अदर में आप खुद होके स्पेसिफाई कर सकते हो कौन सा ऑप्शन आपको डालना है. सो फॉर एग्जांपल ये देखो, ये आपका टेबल है. अब ये टेबल में आपको एक रो इसके ऊपर ऐड करनी है, तो कैसे करोगे, जहां पे आपका कर्सर है वहां से आप इंसर्ट रो करोगे तो वो कहां होगी, अबव इट. ठीक है, तो कैसे होगी, देखो इंसर्ट रोज अबव, कैसे आया, मैंने राइट क्लिक किया उस सेल में, इंसर्ट किया, रोज अबव पे क्लिक किया, तो देखिए एक रो अबव आ गई. अब अगर मुझे उसको डिजाइन प्रोवाइड करना है, जैसे आपको बताया था अभी, वैसे डिजाइन में यहाँ पे प्रोवाइड कर सकती हूँ. कहाँ से, हम लोगों को जैसे फॉर्मेट मेनू दिखाई देता है ना, वैसे डिजाइन और लेआउट मेनू दिखाई देता है. तो हम पहले डिजाइन मेनू पे जाएंगे, टेबल टूल्स में डिजाइन मेनू पे जाएंगे, और ये टेबल टूल्स कहाँ दिखेंगे हम लोगों को, जहां पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, वो पूरी लाइन है ना, वहां पे दिखाई देंगे. ठीक है, उसमें से डिजाइन में से मैं जो चाहिए वो बिल्ट इन डिजाइन स्टाइल्स जो है उसमें से सिलेक्ट करके इस पे क्लिक करूंगी तो वो अप्लाई हो जाएगा. ठीक है, अगर मुझे लेआउट में जैसे लाइंस दिखानी है, नहीं दिखानी है, रोज डिलीट करनी है, इंसर्ट करनी है, ये सारी सेटिंग में यहाँ पे कर सकती हूँ. ठीक है, कुछ बिल्ट इन पहले से क्विक टेबल्स होते हैं, जैसे अभी हम लोगों को समझो कोई डेमो करना है फटाक से, और हमारे पास डेटा नहीं है, क्या लाएं, क्या सोचें, उसके बजाय क्विक टेबल्स लो, यू विल गेट दैट डेटा इंस्टेंटली. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अभी नंबर ऑफ एनरोल्ड इन लोकल कॉलेजेस एक एग्जांपल लिए हुआ यहाँ पे, सॉरी. तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा. ठीक है, तो आप एक्सेल स्प्रेडशीट से भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं. तो आपके लिए असाइनमेंट क्या है, यहाँ पे टेबल क्रिएट करोगे और आपके लिए जो जो डेटा चाहिए वो आप डेटा यहाँ पे इंसर्ट करोगे. नाउ वी विल वर्क विथ इट. हमने 39 वाली फाइल ओपन की है. ठीक है, अब हम न्यू पेज पे आ गए हैं. आई एम जस्ट इंक्रीजिंग द फॉन्ट साइज, नो सॉरी, जूम साइज, जूम रेशियो मैंने इंसर्ट, देखिए इंसर्ट पे गई, टेबल्स. अब ये मुझे कितने बाय कितने का टेबल चाहिए, तो मुझे 4x4 का चाहिए, मैंने 4x4 सिलेक्ट किया. ठीक है, अब जब मैं टाइपिंग करूंगी ना, तो मैंने यहाँ पे ना एक आदत आप डालिए कि आपको अगर टाइपिंग करना है कीबोर्ड में तो प्लीज यूज टैब बटन. टैब की जो होता है ना वो ऑटोमेटिक क्या करता है, आपको दूसरे कॉलम के इसमें शिफ्ट कर देता है. जैसे देखो मैंने टैब की प्रेस किया, यहाँ पे आगे, फिर से टैब की प्रेस किया, फिर से आगे. ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो. अब आपको जैसे अभी देखो यहाँ पे मुझे इंसर्ट में राइट क्लिक किया, इंसर्ट रो अबव, तो देखो एक रो अबव हो गई. अगर मैंने इस तरीके से चार रोज सिलेक्ट किए और राइट क्लिक किया है, इंसर्ट रोज अबव किया, तो चार रोज ऊपर आ जाएगी. ठीक है, नाउ अब अगर सपोज मैंने इसको हेडिंग दिया है जैसे नेम, क्लास, एज, एरिया. ठीक है, तो अब ये वाले हेडिंग्स को मुझे कुछ फॉर्मेटिंग करना है, तो सिलेक्ट कैसे करना, दो चॉइसेस है, एक तो क्लिक करके ऐसा खींचो तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, दूसरा चॉइस ऐसा है कि आप ये वाली खाली वाली जो लेफ्ट मार्जिन की जगह है उसमें आओ और जिस रो को आपको सिलेक्ट करना है वो क्लिक करो, वो पूरी रो सिलेक्ट हो जाए. ठीक है, अब इसको जो भी मुझे फॉर्मेटिंग खुद से देना है वो खुद से दिया जा सकता है, जैसे फॉन्ट कलर चेंज करना है, उसका फिलिंग वाइट नहीं येलो कर देती हूँ सो दैट इफेक्ट समझ में आएगा. तो ये सब मैंने सेट किया, बट ये सब मैन्युअली किया एज पर माई रिक्वायरमेंट. आपको लगता है कि नहीं मैं बिल्ट इन फैसिलिटीज यूज करूँ, तो आप टेबल सिलेक्ट करो. टेबल कैसे सिलेक्ट किया ये देखो, जैसे ही मैं बॉर्डर पे आती हूँ एक छोटा सा प्लस दिखाई देता है, ये देखिए यहाँ पे, तो ये प्लस पे मैं क्लिक किया तो पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट होगा. मैं डिजाइन पे जाऊंगी और ये देखिए द थिंग्स आर डन. ठीक है, इट्स वेरी वेरी इजी. और एक ऑप्शन हम लोग इस पे वर्कआउट कर सकते हैं. ठीक है, अभी सपोज मैंने A1
डी टू, सी थ्री, डी फोर, ये मेरे पास चार वैल्यूज है। अब मुझे, मैंने टाइप तो कर लिया है, अब मुझे टाइप किए हुआ डेटा है उसको टेबल में कन्वर्ट करना है, तो इंसर्ट पे गई, टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कितने कॉलम्स में चाहिए, एक दो तीन चार, चार कॉलम्स में चाहिए, कितनी रोज चाहिए, कितनी रोज चाहिए, अदर्स में ना मैंने स्पेस बार डाला है, तो देखो ये एट कॉलम्स की जगह अभी क्या आ गया, चार कॉलम और दो रोज। देखो अगर मुझे और उसको वर्कआउट करना है तो मैं कर सकती हूँ, अगेन आई एम गोइंग टू इंसर्ट टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, अदर में मैंने स्पेस टाइप किया है, मुझे आठ कॉलम नहीं, दो ही कॉलम चाहिए, तो देखो चार रोज। ओके, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आई होप सब लोगों को समझ में आया।